भारत के बहुत सीनियर साफी स्पोर्ट्स के ऊपर मैं भी इनको देखता हूँ, आप भी देखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दोनों लोग, और ना सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, स्पोर्ट्स के जाने पहचाने जो है एक एंकर हैं, बड़ा अच्छा नाम है इनका। काफ़ी चीज़ें हुई पाकिस्तान से, जो साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने बेशुमार बातें की, इंडिया जान बूझ के हार जाएगा। वर्ल्ड कप एक ऐसा हुआ जिसमें बारिश और मैचेस का मुकाबला चलता रहा, आप धूप निकल आई है, पिचेस जो है काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच जिसका फ़ायदा पहला मैच में देख रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान पूरा बैठ के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह करे इंडिया जीत जाए। ऐसा क्यों, ऐसी नौबत क्यों पेश आई? 1947 में अंग्रेज़ों ने डिवाइड किया था, अंग्रेज़ों ने जोड़ दिया दोबारा इंडिया पाकिस्तान को, दोबारा जोड़ दिया। क्या बात की आपने, ये तारीख है जिसको आप जुटला नहीं सकते। तो आपको लगता है हम फिर से जो जुड़ने की ख्वाहिश है वो जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। और देखिए, शुरुआत तो इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की, जिस तरह से बेस्ट और रॉय खेल रहे थे, तो उसके बाद तो ज़बरदस्त वापसी हुई है। एक टाइम पे 400 रन लग रहे थे, अगर रन आप 325-330 तक रोक ले तो मैच बन जाए। इंग्लैंड ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लैंड फेवरेट है तो गलत नहीं होगा। मुझे लगता है इंग्लैंड जीत जाएगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि इंग्लैंड जीते, ये नहीं मैं कह सकता। ये कह रहा हूँ कि अगर 325-30 है फेवरेट है, ऑब्वियसली 325-30 जिसने बोर्ड पे पहले लगा दिए उसको बहुत एडवांटेज है, लेकिन फिर भी आप क्रिकेट के हिसाब से अगर इंडिया की टीम अभी तक अनबीटन है तो 325 चेज हो सकते हैं, हो ना हो बात की बात हुआ भी है। बायलैटरल क्रिकेट में हो जाता है, 350 भी चेज हो जाते हैं, वर्ल्ड कप में पहले लगा जाता है। मेरी जाति ख्वाहिश है कि इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान को फायदा होना है, दिल की बात है। बिल्कुल, आप जाति तौर पर समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को आगे फिर किसी मैच में सेमीफाइनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है कि नॉकआउट में हम दोबारा एक दूसरे के सामने हो, क्योंकि ये जो लास्ट 6 दिन है ना, इसमें ना सिर्फ आपका स्किल का इम्तिहान है हर टीम का, शायद वो भी देखा जाएगा कौन कितना प्रेशर ले पाता है। भाई हम न्यूजीलैंड को शॉर्ट शॉर्ट था जी, बहुत बढ़िया। अचानक से अगर न्यूजीलैंड लास्ट मैच हार गया इंग्लैंड से, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पॉइंट बराबर हो, बट उसमें मुझे लगता है न्यूजीलैंड का नेट रन रेट चूंकि ज़्यादा है वो थोड़ा सा उनको एडवांटेज। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देता है और उधर से इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को हरा देता है, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड चांस करती है, उसके बाद लगातार जीत। अच्छा, आपने बात की पाकिस्तान के फैंस की, यस्टरडे हमने एक बहुत गलत माहौल देखा जो कि क्रिकेट की दुनिया में नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस दोनों लड़े, एक दूसरे को मारा पीटा, आपको लगता है कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान और इंडिया के फैंस मैच्योर हो चुके हैं? नहीं, वो तो है ही है, वो आज थोड़ी मैच्योर हुए, हमेशा से देखिए। आप मैनचेस्टर में मैच हुआ था, इंडिया ने वन साइडेड पाकिस्तान को हराया था, मैं था उस मैदान में और मुझे सबने कहा कि आपकी टीम बड़ी अच्छी है, चाहे अफगानिस्तान ने जो किया वो गलत की। आखिरी बात करूंगा फिर खत्म करता हूं कि मैं राजी तौर पे माजरत चाहता हूं जो बात करी ने कहा हट किया उन्होंने आप लोगों को, मैंने आपकी वीडियो देखी, बात गई रात गई बात गई, ऐसा फर्क ऐसा कुछ है नहीं है, उन लोगों को कुछ जवाब दे दे। देखिए, पूरा जो आपका मुल्क है वो तो ऐसा नहीं सोचता, हमारे मुल्क में भी पूरे सारे के सारे लोग मतलब ऐसा अच्छे नहीं है, वो ये इक्का दुक्का चलता रहता है, अल्टीमेटली हर किसी की इमोशन जुड़ी होती है, तो अगर बासित अली ने या सिकंदर बख्त ने जो भी बोला की राय थी वो पूरी कॉम की, जो बाकी कॉम अगर अच्छी है ना तो क्या फर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये थे विकांत, जिनकी भी ज़ाती खास ये है कि पाकिस्तान और इंडिया को चाहे सेमीफाइनल हो फाइनल हो उसके अंदर मध्य मुकाबल आना चाहिए, एक बार फिर मैच होना चाहिए, फाइनल से कबल फाइनल हो जाएगा, बल्कि सेमीफाइनल भी हुआ तो वो फाइनल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू से कुछ आपने सीखा होगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।